हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो, नमस्कार सर। मैं रोहित बात कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। मैं कह रहा हूँ महेश सिसोदिया कौन से, बात कर रहे हैं? कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। सर क्या मेरी बात महेश जी से हो रही है? सर कॉल को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा, कल रिकॉर्ड की जा रही ट्रेनिंग है क्वालिटी परपज के लिए। सर पहले नाम बताइए। सर बताया तो सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ कोटक हाँ महिंद्रा रोहित, बैंक हाँ कितने से। दफे बात करोगे यार? सर कितनी बार मैंने आपको कॉल किया? सर मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ सर आपको। इससे पहले भी तुम्हारे नाम पे किसी ने कॉल किया है? रोहित बोला, इंद्रजीत बोला। चलो ठीक है, बोलो। सर आपने पेमेंट कर दिया? नहीं जी सर, क्यों नहीं हुआ पेमेंट? सर मैं जान सकता हूँ आपको? नहीं नहीं जान सकते हो। एक मिनट होल्ड करना जरा बेटा, एक एक मिनट होल्ड, एक मिनट होल्ड कर। हेलो, हाँ हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो सर। जो आपका ड्यू डेट था ना सर, वो 5 फरवरी से जो क्रॉस हो चुका, मैं जान सकता पेमेंट क्यों नहीं हुआ सर अभी? बताने के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ सर हाँ बोलिए। हाँ बताने के लिए धन्यवाद। जी सर, जी सर अपना जैसे बता दे रहा हूँ सर आपको, एक बात और कि सर आपका जो ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है सर, आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं 500-700 प्लस 18% GST सर, और डेली बेसिस पे 3.5% इंटरेस्ट रहेगा सर। अरे बाप रे, चलो ठीक है, बैंक की मदद हो जाएगी थोड़ी मेरी तरफ से। हाँ जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, कब तक पेमेंट हो जाएगा सर आपका? नहीं बता सकता। सर करेंगे ही नहीं सर आप पेमेंट क्या? आपको क्यों बताऊं मैं? सर कार्ड तो अपने बैंक से ही बनवाया था तो यूज किया है, तो अब हाँ हम तो दूसरे वाले नहीं करते बैंक क्या? को कॉल करने दो ना। पर हम बैंक की तरफ से ही बात कर रहे हैं सर। नहीं ना, अच्छा आप बैंक की तरफ से बात करें तो अपना आईडी और ये भेजिए, एजेंसी का नाम भेजिए। सर मैं अपना आईडी और अपना नाम तो बता दे सर, मैं अपना आईडी आपको नहीं बता सकता ना। हाँ तो मैं भी नहीं बता सकता ना, डिटेल्स में कैसे बता सकता हूँ फिर आपको। सर आपने जब पेमेंट यूज किया है तो सर उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया, तो सर आप पेमेंट नहीं करेंगे क्या सर? नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, करूंगा नहीं करूंगा, आप क्यों बोलने वाले? आप हो कौन पहले वो बता दो। मेरे को तो कोई भी हैरा सर गहरा आप नथु खेरा बोल सकता है कि मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, समझे? तो मैं पूरा डिटेल्स क्यों दूँ उसको ना? आप बताओ पूरा अपना आईडी, आप आईडी बताओ, एजेंसी का नाम बताओ, मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा, कब क्या, कब कैसे, क्यों क्यों नहीं। सर हमें सर ये सब नहीं ना बता सकते सर, हम कि कहाँ तो से वो बात आपकी कर रहे हैं, मजबूरी का, कितनी आईडी आपकी क्या है। आपकी आपकी मजबूरी का मैं क्यों फायदा उठाऊंगा बेटा? वो आपकी जी मजबूरी सर है, आप बैंक को बोलो चाहिए तो आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, तो मैं बैंक को आपकी तरफ से बोलता हूँ भाई आईडी कार्ड इशू कर दो। बैंक आपको इशू नहीं करते क्योंकि आपने डीआरए नहीं किया है। डीआरए कोर्स में कोई मदद चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपकी कर दूंगा। सर DRA मेरा कंप्लीट है सर। अच्छा वेरी गुड, फिर भी ऐसी गलतियां कर रहे हो। सर गलतियां नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हम पेमेंट एजेंसी नहीं का कर रहे हैं, नाम तो आप बोल बताओ, रहे हैं पेमेंट एजेंसी नहीं का कर नाम रहा बताओ और डीआरए किया है उसका सर्टिफिकेट भेजो मेरे को। हूँ सर। व्हाट्सएप क्यों मैं नंबर बताऊँ मेरा, सर आपको? व्हाट्सएप नंबर मेरा, व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है। अच्छा नहीं सर, मैं अपना पर्सनल डिटेल आपको नहीं शेयर कर सकता ना। मैं कैसे फिर पर्सनल डिटेल आपको शेयर करूं कि भरूंगा कि नहीं भरूंगा, या भर दिया है मैंने, या मैंने कोई मेल कर दिया है, मैं आपको क्यों बताऊं? भरा आपने भरा होता ना, आपने भरा होता तो मैं आपको कॉल ही नहीं जाता था इतना बार। अगर हाँ? आपने पेमेंट कर दिया होता ना सर, आपने को आपको इतनी बार कॉल नहीं आया था, इतनी बार आप बोल रहे हैं कि एक बार किसी और ने किया था, कॉल एक बार और कॉल किसी ने कॉल क्यों किया नहीं आता वो भी बता दो। अरे सर। अगर पेमेंट रहता तो आपको कॉल क्यों जाता? जब आपका सब यहाँ पेमेंट सब डन रहता, थोड़ा दिन अपना ड्यू डेट आपको क्रॉस हो नहीं जाता तो आपको नहीं कॉल मेरे जाएगा मेरे सर। मेरे मेरे बात बताओ, कब करना चाहिए कॉल? आपने हाँ डीआरए किया है जरूरी ना, क्या सर? जी आपने डीआरए किया है ना, सर, जी सर बोलिए। सर तो आपका क्या काम है? आपको खाली बता देना है बस, और मैं जो बात कर रहा हूँ उसको क्या अपडेट करना है। काम?
आप कब तक भरोगे, क्यों भरोगे, भर दो सर ये बोलोगे तो आपका काम नहीं है वो, आपका काम है इन्फॉर्मेशन देना। आप यूज करिए, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप पेमेंट करिए, मतलब मैं एजेंसी की तरफ से काम कर रहा हूँ तो मैं एजेंसी के लिए आपको ये नहीं बोल सकता कि आप पेमेंट करिए सर। आप बोल रहे हो आप पेमेंट मत करिए। क्यों मैं ऐसा, मैं क्यों बोलूँ सर, एजेंसी मुझे अपना सैलरी दे रही है इसी काम के लिए, आप सबको हाँ, बताओ तो कि आपको पेमेंट किया, आपने आपने आपको क्या पता बोल रहे हैं आपने फोन किस वजह से किया है वो बताइए। सर। मैंने यही बताने के लिए सर, आपका ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है जो कि आपको सर फाइन वगैरह सब भरना पड़ सकता है। बताने के लिए बताने के लिए बताने के लिए बताने के लिए धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सर, आप जो बोल रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद सर, लेकिन पेमेंट कब करेंगे ये बताइए मुझे। नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकता, फिर किसको बताएंगे सर? नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता, मेरा निजी मामला है वो, निजी निजी मामले में मामला आपका हस्तक्षेप ठीक नहीं है। हाँ आप निजी ठीक है, आप बोल फंड रहे हैं फंड पैसा इशूज नहीं होता, बैंक फंड इशूज कर दीजिए आप। पैसा यूज, बैंक का पैसा यूज किए तो आप बैंक का, आपका निजी पैसा तो करो। मैंने बैंक का यूज किया ना, आपका थोड़ी यूज किया, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, मैंने आपका यूज किया है। तो बैंक का, बैंक बैंक के एम्प्लॉय की तरफ से बात कर रहे हैं सर, तो हाँ तो मैं कैसे मान लूँ कि आप, मैं कैसे मान लूँ कि आप बैंक के आदमी हैं? तो आपको कॉल किसके रिगार्डिंग गया सर, किसके लिए, किस वजह से? अरे आपको भाई कॉल किसी के भी रिकॉर्डिंग, फ्रॉड कॉल्स भी बहुत होते हैं। तो फ्रॉड कॉल होते, इतना डिटेल है मेरे पास है जितना आपका वो कम है, मैं कैसे क्या आपको डिटेल्स ढूंढता फिरूंगा, मैं क्या डिटेल्स ढूंढता फिरूं, सोचता बैठूं? आपका काम है, आपने कॉल किया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूँ मैं, तो बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करिए ना। कर ही रहा हूँ ना, बोलो ना क्या बात करनी है। नहीं आप वही तो पूछ रहा, पेमेंट क्यों नहीं किया? पर मैं क्यों नहीं किया तो आपको बोल दिया फंड इशू है, ऐसे बहुत सी बातें हैं। मैं आप देखो आप कोटक सुनिए मेरी बात, कोटक का क्रेडिट कार्ड है ना आपका? हाँ फ्रॉड होता तो मैं ये नहीं बोलता, मैं ये नहीं बोलता कि आप कोटक ऐप में से आकर अपना पेमेंट कीजिए, मैं ये नहीं बोलता। हाँ कोटक ऐप में से आकर पेमेंट करेंगे तो फ्रॉड रहेगा। कीजिए कीजिए, बोलने वाले आप हो कौन, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। पैसा यूज करते टाइम तो ये नहीं पूछे कि आप, मैं पैसा पैसा आप लोग दे रहे तो आप फोन, पैसा यूज करने के टाइम पे आपने ये भी नहीं बोला था कि यूज करने से पहले आप जैसे किसी पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, यूज करते टाइम तो आपने नहीं बोला था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो कि आप इतना बोलोगे कि यूज कर लूंगा, तो फिर मैं कौन हूँ आप कौन हो इतना ये तो नहीं बोला था। तो बैंक ने ये भी नहीं बोला था यूज करते टाइम कि आप जैसा फोन करेगा या आपसे पूछ के मुझे यूज करना होगा? बहुत बुद्धिमान है आप, तो पेमेंट कर दीजिए। आपके बोलने में क्यों करूं, आपकी औकात क्या है, आप क्यों बोलेंगे? आप पुलिस वाले हो, आप कोई बहुत बड़े सुपर स्टार हो, बाहुबली हो, स्पाइडरमैन हो, सुपरमैन हो, कौन हो आप? मैं कुछ नहीं हूँ। आप मंगल ग्रह के वासी हैं, कहाँ के हैं, आईडी भेजिए, मैं देता हूँ सब डिटेल, बता दूंगा आपको क्यों दिया, फलाने टाइम पे मेरी हुआ, फाइल्स हुए, इस वजह से मैं सब बता दूंगा। पहले आप अपना परिचय तो दीजिए मुझे। वो सब आप में हो रहे हैं तो वो अलग बात है सर, मेरी बातों से वो अलग बात, लेकिन सर तुम्हारी तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी चूतियागिरी से। हाँ बोलिए, तुम्हारी चूतियागिरी से, तुम्हारी चूतियागिरी से, एक ही रट्टा, एक ही बात, एक ही बार बार बोलने से, इसलिए बोल रहा हूँ। और रही बात डिटेल मांग रहे हो तो मैं पूरी डिटेल दे दूंगा, हक के दिखा दूंगा आपके सामने, खोल के रख दूंगा अपनी, लेकिन आप आईडी तो बताओ, आप हो कौन? आप आदमी हैं, पैसा भरने को आदमी के अंदर सब होने लगता है, जो बताया ना अभी अभी, जो सब होने लगता है सर, यूज करते टाइम नहीं होता है, भरने टाइम हो जाता सबको। ये आपका एक्सपीरियंस है ना, हमारा एक्सपीरियंस कुछ और है। हाँ हाँ वो आपका क्यों, आप आपके आप, 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 आपके आपके पिछवाड़े में टीएल का डंडा लगा हुआ है तो आप करेंगे जो कर रहे हैं आपको। मेरे पिछवाड़े में थोड़ी टीएल का डंडा लगा है, मैं तो तुम्हारा फुल टाइम पास करूंगा अपने हिसाब से। हाँ वो भरने टाइम सब यूज होता था आपके जो कर रहे हैं वो, अभी आपके विचारों को मैं थोड़ी जान सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। भरेंगे कि नहीं पैसा भरेंगे कि नहीं ये बोलिए बस। आपको क्यों बोलूं? ठीक है नहीं भरेंगे ना तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके घर जाएंगे और उनसे बात कर लीजिएगा। घर पे आएंगे ना तो उनको ऑथोराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड लेके भेजना, ठीक है? और साथ में हो सके तो पुलिस वालों को भी भेजना, न
नहीं तो मैं मारता हूँ बहुत जोरों से। हाँ सर जी, सर आप जो करना करिएगा उनसे बात कर लीजिएगा, वो भी ऑफिसर यहाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है सर। 6 बजे तक आपके घर पे जाएंगे सर। एक बार एड्रेस कन्फर्म कर लीजिए सर। हाँ प्लॉट नंबर 386। नहीं एड्रेस 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 चेंज हो गया है, बैंक ने आपको मेल नहीं किया है तो पूछ लेना बैंक से। ठीक है आप बैंक से बोल रहे हो तो। नहीं सर अपनी एड्रेस से जाएंगे तो कहीं आपका एड्रेस पर कहीं भी चेंज कर दिया है सर। 5-6 बजे तक आपके घर पे जाएंगे। हाँ बात कर लीजिएगा। हाँ तो इसको 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 मैं धमकी मान रहा हूँ। धमकी माने जाए जो माने सर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, आईडी के साथ जाएंगे और धमकी समझ रहे हैं वो आईडी प्रूफ के साथ। आपको आईडी चाहिए ना सर, वो आईडी प्रूफ के साथ आपके घर जाएंगे, उन्हीं से बात कर लीजिएगा। और अगर अगर 6 बजे तक नहीं आए तो कहाँ कंप्लेन करूँ मैं, वो बता दीजिए। कंप्लेन नहीं सर, वो पहुँचेंगे आप घर, देख लीजिएगा। आप 6 बजे तक बैठे रहिए, आप नहीं जगह तो बताइएगा फिर। अच्छा क्यों पहुँचेंगे वो? अरे सर आप बोल रहे हैं आईडी प्रूफ चाहिए आपको, आईडी प्रूफ लेकर आपको घर पहुँचेंगे और उनका चार्जे जैसा 2700 रुपये और आप उनको पे कीजिए पूरा कैश इन हैंड आपको चाहिए। अच्छा तो नहीं पे नहीं करूँगा, पे नहीं करूँगा तो क्या करेंगे? अब वो जाने और आप जाने सब क्या करेंगे, मैं नहीं जानता कुछ। अच्छा ठीक, 6 बजे तक नहीं आए तो मैं आपको इस नंबर पे कॉल कर सकता हूँ? मैं तो बहुत कर रहा हूँ, सुबह से लग ही नहीं रहा आपके नंबर पे। ये तो कोई आलतू फालतू नंबर है, लगता ही नहीं है, वापस करो तो। हाँ लगेगा सर, लगेगा ये। ठीक है जी सर। अच्छा कितने दिन बाद घर पे विजिट किया जाता है? आपने DRA किया है, कितने दिन बाद विजिट किया जाता है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता। बस अभी तो आपने बोला आपने DRA किया है। मुझे नहीं आता सर, कुछ नहीं आता सर। आप जब कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको? मैं तो सब सुन रहा हूँ पीछे से, 15 मिनट से आप बकवास किए जा रहे हो बिना ID के, मैं सब सुन रहा हूँ। और ये अभी YouTube पे और X जो ट्विटर है ना उस पर अपलोड होने वाला है, आपके बैंक की ट्विटर अकाउंट पे ये अपलोड होने वाला है कि आप ऐसे बात कर रहे हैं बिना ID के। ठीक है ठीक सर, हमारे पास ही रिकॉर्डिंग है सर। मैंने क्या बोला? हाँ वो सब हाँ तो आप रिकॉर्डिंग इसी WhatsApp पे भेज सकते हैं, अपलोड कर दीजिए, कोटक महिंद्रा की साइट पे अपलोड कीजिए आपके पास रिकॉर्डिंग है तो। जहाँ तक मुझे पता है आप नहीं कर सकते अपलोड, टुंडे हो आप, टुंडे। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप अपलोड कीजिए, मैं तो अपलोड करूंगा ही। हाँ कर दो। और आज शाम आपने गलत बोला ही नहीं है, आपने तो गलत किया है कि बिना ID और एजेंसी का नाम बताए आप मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं। जी सर। हाँ मैंने नाम सर इसमें रिकॉर्ड हुआ है सर। हाँ और आपकी इसके लिए बता दूँ, अगर आप ID और एजेंसी का नाम बताते तो मैंने जो बैंक को मेल किया है और उसका टिकट नंबर है वो मैं आपको बता देता। आपने नहीं बताया, आप बता ही नहीं रहे और बता भी नहीं सकते, आपने ये गुनाह किया है जिसकी साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट करना मेरा फर्ज बनता है। आपने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। जी सर। हाँ समझे अभी? ठीक। हाँ एक बार और अपना नाम बता दीजिए, एक बार और अपना नाम बता दीजिए और असली नाम हो तो प्लीज असली नाम बताइए। आपने अपना पूरा नियम जो आरबीआई का पूरा नियम फॉलो किया सर? हाँ मैंने फॉलो किया, मैंने बैंक को पहले ही मेल करके बता दिया। वो गाली देके फॉलो किया ना सर? गाली और दूंगा तेरी माँ की, और दूंगा गाली क्योंकि तेरा ID नहीं है, तेरी बहन की, तेरी एजेंसी का नाम नहीं है, तेरी माँ तेरी मेरे को माँ धमकी दे रहा है मेरे घर पे आएंगे, तेरी माँ को बेच, तेरी बहन को ब्याह मेरे से, तेरी माँ का जो तू है कौन रे? ID मांग रहा हूँ माँ की, ID दे नहीं रहे माँ तेरी, तेरे बाप का नाम नहीं मालूम भेड़, तू किसकी औकात की है? दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।